हेलो एवरीवन, आई एम बैक। कैसा लग रहा है आपको मुझसे मिलके? वैसे आप मुझसे मिल तो नहीं रहे, फिर भी मेरा आवाज़ सुनकर कैसा लग रहा है आपको? अगर अच्छा नहीं लग रहा फिर भी सुन लीजिए थोड़ा। आज हम चेक करने वाले हैं महात्मा का गेम प्ले, महात्मा विथ लाइफ ड्रेन एंड सैक्रेड लाइट। शायद सैक्रेड लाइट ही था ना, या 10 कमजोर हो गए लगते। हाँ, 8, 9 of 8 सैक्रेड लाइट एंड 9 of 8 और 8 of 8 जो भी बोले इसको, लाइफ ड्रेन। और ये एक बीस्ट है, बीस्ट, BEAST वाला बीस्ट। चलिए एक अटैक करके आपको दिखाते हैं। सिर्फ महात्मा से हम अटैक करेंगे सोलो, और ये वार्डन पता नहीं कहाँ से आ गया। इस वार्डन को हटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हमारे पास जो हीरोज़ है, 2 रेड है, 3 ये है। हमें एक ओरेकल हीरो चाहिए, ओरेकल नहीं, क्या नाम था उसका, जो भी नाम था, हटाना किसको था? अरे यार, हाँ, एक ग्रीन हटाना है हमें, एक ग्रीन हीरो हटा के कुछ करना पड़ेगा। यार यहाँ से तो सब सेम लग रहा है। और इधर से देखते हैं कौन सा वाला हटाना पड़ेगा हमें, ग्रीन कौन सा है। तो हमें सेरिना को हटाना पड़ेगा, तो सेरिना को हटा के कोई और लगाते हैं। सेरिना को हटा के हम लगाएंगे यहाँ पे ये, जिससे वार्डन्स हट जाएंगे क्योंकि सब इक्वल हो चुके हैं। और वार्डन हट चुका है, हम महात्मा का गेम प्ले देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी पावरफुल हीरोज़ है, इसके पास हार्ट ब्रेकर है। अगर इस हार्ट ब्रेकर के पास वो हुआ, वो से मेरा मतलब है क्या बोलते हैं उसे, रिवाइटलाइज और अनहोली पैक, तो ये मेरे महात्मा को वन शॉट में उड़ा देगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर भी हम अटैक करते हैं, तो इसके पास नहीं है वो। और जैसा कि आप देख सकते हैं द पावर ऑफ द इंफिनिटी, और ये मरने वाली है। मरते मरते बच गए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे हीरोज़ आ चुके हैं जो कि इसको दिखाई दे नहीं रहा है। तो ये काफ़ी देर तक टिकी, किसी के पास शायद वहाँ पे स्कैटर था जिसकी वजह से उसका एनर्जी फुल नहीं हो रहा था, उसके अंदर से एनर्जी नहीं आ पा रहा था। और अगर उसके अंदर एनर्जी नहीं आएगा तो मारेगी कैसे? तो एक बार और ट्राई करते हैं यहाँ पे, क्या ये वर्थ इट है? और इसके पास भीला स्कैटर है जिसकी वजह से एनर्जी रिडक्शन हो रहा है। और डव कीपर इसको मारे जा रही है, फिर भी अभी तक सरवाइव कर रही है इतना डैमेज खाने के बाद भी। 3 हेलीकॉप्टर्स, बैम्बू कॉप्टर्स, जो भी कॉप्टर सही है मारे जा रहे हैं इसे, प्लस डव कीपर, प्लस ये, और ये डिस्ट्रक्शन। क्या कोई बचेगा वहाँ पे? इतने सारे डबल इवॉल्व हीरोज को एक साथ मारना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है महात्मा के लिए। फिर भी काफ़ी खौफनाक है, आई मीन डेंजरस, जो भी आप इसे कहना चाहें। और इस लाइफ ड्रेन की वजह से जल्दी मर नहीं रही है, और सैक्रेड लाइट बहुत ही सैक्रेड है ये, जिसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है डैमेज का। चलिए थोड़े पत्थर तोड़ते हैं, ये पत्थर नहीं तोड़ना चाहती है तो डायरेक्टली अंदर गई। और किसी ने इसको फ्रीज कर दिया है, होली शिट। और ये फट से मर गई क्योंकि वहाँ पे वो था, क्या बोलते उसको, माइकल। और ये रही मरी हुई महात्मा, कहाँ गई? इसे हम जिंदा कर लेते हैं, जिंदा करना अच्छा है अगर आपके पास जेम्स है बहुत सारे, नहीं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक्सपर्ट का 8 ट्राई करते हैं महात्मा के साथ, और थोड़ा स्पीड की कमी होने की वजह से हमें लगेगा एक स्पीड वाला कोई ये, तो चलिए ट्राई करते हैं एक्सपर्ट डंजन 8।
और यहाँ पे बड़े बड़े ड्रैगन्स है, बहुत सारे शिफ्टन है, बहुत सारे हीरोज है, बहुत सारे टावर्स है, सब कुछ ही बहुत सारे हैं। चलिए देखते हैं महात्मा क्या करती है यहाँ पे। वाह, पत्थर तोड़ने के लिए काफ़ी अच्छी है और बिल्डिंग्स भी। हाँ ऑब्वियसली बिल्डिंग्स भी। अगर आपके घर में सफाई नहीं हुई है तो महात्मा को ले जाइए, हर जगह साफ चकाचक कर देगी। और ये अटक चुकी है एक चीफ्टन के ऊपर, और महात्मा का हेल्थ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कम हो नहीं रहा है, क्योंकि वो लाइफ ड्रेन की वजह से हर हिट पे वो हेल्थ को वापस ले ले रही है, गेन कर रही है, जो भी आप बोलना चाहें उसे। और ये पहला गया, बचे हैं बहुत ही कम, जो कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, बहुत ही कम, फिर भी अब सब एक साथ इस पर अटैक करने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। मरे ना बस ये तो अच्छा रहेगा। क्या ये मरने वाली है? नहीं, ये अभी भी जिंदा है। ये सारे हीरोज पे अकेले अटैक कर रही है और इसका हेल्थ जो है वो कम होने वाला है नहीं, तो हम सब कुछ स्पीड अप करने के लिए पंपकिन ड्यूक डालते हैं ताकि सब कुछ स्पीड हो जाए और ये और भी स्पीड में मारे। अब आप देख सकते हैं इसका पावर बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। वाओ, होली शिट, होली शिट, होली शिट, पगला गई है। कोई रोको भाई, कोई रोको इसे, चकना चूर, चना चूर, सब खिला दो। तो ये था महात्मा का गेम प्ले। अगर आप इसे देखना चाहते हैं और भी दूसरे हीरोज़ के साथ बैटल करते हुए 1v1 पे, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं और अपना ये बकवास थोड़ा कम कर सकूं। और अगर आपको ये बकवास भी अच्छा लग रहा हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।